सिटी पोस्ट में आपके साथ में मैं हूं अनामिका। हिंदी की एक काफी मशहूर कहावत है कि बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा, लेकिन हर बार बिल्ली की किस्मत साथ नहीं देती। बिहार की राजनीति की बात करें तो पिछले दो महीने से चल रही उथल पुथल को देखें तो प्रमुख विपक्षी दल यानी कि राजद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। राजद को जब लगा कि बिहार में भाजपा और जदयू की जोड़ी टूट सकती है तो लालू राबड़ी सहित सभी जितने भी बड़े नेता थे सबका रवैया अचानक बिहार की सरकार और जदयू के प्रति नर्म हो गया, काफी सॉफ्ट हो गया। लेकिन हर तरह से घास जाले के बाद भी जब बात नहीं बनी तो राजद एक बार फिर से बिहार की सरकार पर हमलावर हो गया। काफी दिनों तक देखिए कोई भी ऐसी बयानबाजी नहीं आ रही थी। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की ओर से करीब चार हफ्ते के बाद ट्विटर पर बिहार सरकार की आलोचना को भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने आड़े हाथों लिया है। आपको बताया कि लालू प्रसाद यादव काफी कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था ट्विटर पर। उन्होंने कहा कि लालू को चार हफ्ते तक बिहार की विधि व्यवस्था ठीक लग रही थी, यानी कि अभी कल की बात करें तो कल आपको मैंने बताया था कि लालू यादव जो हैं वो बोल रहे थे कि अनुकंपाई सरकार है बिहार में, नीतीश कुमार पर कब्ज करते हुए उन्होंने ट्वीट किया था। अब इसके ऊपर जो हमला होना था यानी कि इसके पलटवार में कुछ ना कुछ तो आना ही था, तो सुशील मोदी ने यही पलटवार किया कि चार महीने तक क्या उनको सब कुछ ठीक लग रहा था जो एकदम चुप बैठे थे। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को ट्वीट करके राजद सुप्रीमो लालू यादव पर कटाक्ष किया है। उन्होंने लिखा कि 17वीं विधानसभा के गठन और स्पीकर के चुनाव के समय से ही जोड़ तोड़ में लगे लोग एनडीए के कुछ विधायकों के राजद के संपर्क होने के फर्जी दावे कर रहे थे। मुख्यमंत्री तक को नए नए ऑफर दे रहे थे, उन्हें चार सप्ताह तक बिहार की विधि व्यवस्था से कोई भी शिकायत नहीं थी। जदयू की ओर से खरा जवाब मिलने के बाद लालू को बिहार की विधि व्यवस्था में फिर से कमी नजर आने लगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की बात करें और राजद पार्टी की बात करें तो वो लगता है कि दोनों के बीच काफी ज्यादा मनमुटाव बढ़ गया है, जदयू और बीजेपी के बीच तो कुछ ना कुछ हो सकता है। सुशील मोदी ने कहा कि दरअसल राजद के पास जनादेश का सम्मान कर पांच साल विपक्ष में रहकर जिम्मेदार दल के नेता जनता की सेवा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, वे सच स्वीकार नहीं कर पाते हैं। करीब एक महीने तक राजद का रवैया जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति पूरी तरीके से सॉफ्ट रहा, नर्म रहा। राबड़ी देवी ने तो यहां तक कहा कि अगर जदयू फिर से राजद का साथ आना चाहती है तो विचार किया जाएगा। जदयू की ओर से ऐसे प्रयासों को कोई समर्थन नहीं मिलने के बाद राजद फिर से सरकार की आलोचना के मूड में आ गया है। लालू ने ट्वीट करके कहा है कि बिहार में अपराध की सुनामी आ गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया है। अपराध निश्चित रूप से बढ़ रहा है, लड़कियों की किडनैपिंग बढ़ रही है, तमाम तरह की जो घटना है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या ये चार महीने तक नहीं हो रही थी जो आप चुप बैठे थे? देखिए आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है, नामिका को दीजिए इजाजत।